प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 दिसंबर को हल्द्वानी में प्रस्तावित चुनावी जनसभा स्थल पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। धूल के गुबार के बीच मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं से घिरे नजर आए। इससे पहले शहर के तिकोनिया चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के दौरे का जोरदार विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगाते हुए काले झंडे दिखाए। मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास कर रहे कार्यकर्ताओं की पुलिस से काफी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। यूथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू ने कहा कि जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है और मुख्यमंत्री कोरी घोषणा और हवाई दौरे में व्यस्त है। पुलिस प्रशासन तानाशाही कर रही है, यूथ कांग्रेस की आवाज दबाने का काम कर रही है, जनता की आवाज को दबाने का कर रही है, मुख्यमंत्री हवाई दौरे कर जनता के पैसे को बर्बाद करने का काम कर रही है। पाँच सालों में 2017 से लेकर 2021 के अंत तक अभी तक 1,00,000 करोड़ योजनाओं की यहां पर अभी तक स्वीकृति हो चुकी है। अभी देहरादून में 18,000 की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ था। हल्द्वानी में लगभग 1,000,000 करोड़ की योजनाएं जो हमारी यहां पर तैयार हो रही हैं, बहुत सारी योजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास दोनों होना है। जमरानी बात की ऑलरेडी सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी है, क्योंकि वो हमारा नाबार्ड पोषित योजना है और उस योजना वो प्रक्रिया के अंतर्गत है, उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति हो चुकी है। अभी देखते हैं उसमें जैसा भी होगा नाबार्ड के लोगों के द्वारा जो बात करने के बाद, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, सड़कों की योजनाएं हैं, अन्य योजनाएं हैं, उन सभी का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। मैं सभी का आह्वान करता हूं कि सब लोग आए। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति हमको ब्रॉडगेज में, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति हमको ब्रॉडगेज के लिए जो है पहले नैरो गेज में उसका सर्वे होने की पहले बात चल रही थी, लेकिन इस समय में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि उसको जो है ब्रॉडगेज सर्वे की अनुमति प्रदान कर दी जाए। उसके लिए 29 करोड़ रुपए की धनराशि उनकी जारी हो चुकी है और जल्द ही टनकपुर बागेश्वर जो रेल लाइन परियोजना है वो धरातल पर उतरेगी। कोविड को लेकर हम पूरी तरह से सजग हैं और इसके लिए हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैं आज और कल के अंदर ही जो है इसकी बड़ी समीक्षा करने वाला हूं। कहीं पर इसके अलावा खटीमा में आपके लगातार दौरे हो रहे हैं, लेकिन वहां विरोधी ये कह रहे हैं कि आप लोग पैसा यहां खर्च करें, जनता है कि परेशान हो चुकी है। अब देखिए ऐसा है, विरोधियों के पास कोई मुद्दा कहीं बचा नहीं है, इसलिए वो बेफालतू के मुद्दे उठा रहे हैं। हम लगातार जनता के लिए एक एक क्षण और एक एक पल उत्तराखंड की जनता को समर्पित कर रहे हैं। जितना भी समय मुझे मिला है मैंने कोशिश करी है कि जो अपना सर्वोत्तम हो सकता है वो उत्तराखंड की जनता के लिए दूं। सारी तैयारियां पूरी हैं।